स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। सत्ता में रही भाजपा सरकार में आए दिन ब दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की महंगाइयों से जनता काफी नाराज है, कुछ में तो काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो आइए इसी के चलते देखते हैं विजयपुर जिले के कोलार तालुका से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर हमारे संवाददाता इरफान बिलगी की एक खास रिपोर्ट। हर रोज दाम पेट्रोल और डीजल का ऐसा बढ़ता जा रहा है कि किसानों और मजदूरों को हर तरफ से तकलीफ और परेशानी होना पड़ रही है। हम विजयपुर जिले के कोलार तालुक के इंडियन पेट्रोल पंप में आज हम आए। आइए ग्राहक से पूछते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ और कैसी परेशानी हो रही है। सर, आप जो पेट्रोल और डीजल से आपको दिक्कत क्या हो रही है और कैसी परेशानी हो रही है? सर, भाव बढ़ रहा है, आज चल रहा है और गरीब लोग अभी ग्राहक लोग बोल रहे हैं हम आप पहले जमाने सर का साइकिल लेके घूमे तो अच्छा रहेगा, ऐसा हर रोज दाम बढ़ते जाएगा तो हम कैसा रहना कैसा खाना बोल के ऐसा बोल रहे हैं। और एक ग्राहक आ चुके हैं, उनको भी हम पूछेंगे उनकी उनसे क्या तकलीफ है। आइए और एक ग्राहक आ चुके हैं, उनको पूछेंगे क्या तकलीफ है। पेट्रोल ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ? ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವು ಬಡವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು? ರೈತ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಳೋದು ಪಾಡಾಗೈತೆ ನಮಗೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಳೋದು ಪಾಡಾಗೈತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮನೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಬೋಲ್ ರೇ ಕಿ ಸೈಕಲ್ ಲೇಕೆ ಘೂಮೇಗಾ ತೊ ಹಮ್ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ರಹೇಗಾ. ಇಸ್ ತರ किसानों और हर रोजगार बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ और परेशानी हो चुकी है। और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज़।